पीपीगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के 3 अपराधियों की जिलाधिकारी के निर्देश पर 3.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि पीपीगंज थाने की पुलिस ने 3 गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की संपत्ति को कुर्क किया है, जिनकी पहचान भोला यादव उर्फ अखिलेश यादव पुत्र स्वर्गीय महेश यादव निवासी वार्ड नंबर 4 अब्दुल हमीद नगर साहबगंज पीपीगंज थाना पीपीगंज गोरखपुर अस्थायी पता ग्राम भेठा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर दूसरा गोपाल उर्फ राम गोपाल यादव पुत्र स्वर्गीय महेश यादव निवासी ग्राम भिठा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर तीसरा नीरज यादव पुत्र स्वर्गीय पंचदेव यादव निवासी भिठा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर की गैंगस्टर एक्ट के धारा के तहत अभियुक्त भोला यादव गोपाल यादव व नीरज यादव उपरोक्त की ग्राम साहबगंज थाना पीपीगंज में स्थित अराधी संख्या 733 खाता संख्या 801 में 0.69 हेक्टेयर मकान व जमीन गाटा संख्या 123 नया वार्ड संख्या 106 अब्दुल हमीद नगर थाना पीपीगंज में पक्का मकान भूमि व मकान तथा ग्राम भिठा थाना सहजनवा में स्थित 2 मंजिला मकान ग्राम भिठा के खाता संख्या की भूमि व मकान जिसकी बाजार की कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपये है तहसीलदार कैंपियरगंज तथा तहसीलदार सहजनवा व प्रभारी निरीक्षक कैंपियरगंज थानाध्यक्ष व पीपीगंज थानाध्यक्ष सहजनवा की मौजूदगी में कुर्क किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा जिलाधिकारी महोदय जनपद गोरखपुर के आदेशानुसार वार्ड संख्या 4348/22 सरकार बनाम भोला यादव आदि में गैंगस्टर की धारा 14(1) के अंतर्गत तहसील सहजनवा थाना सहजनवा के ग्राम भिठा में स्थित भोला यादव का 2 मंजिला मकान आज 4/12/2022 को अधिग्रहित किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का प्रवेश वर्जित है। भोला यादव एक फरार इनामी आधी है। इसके ऊपर कई दर्जन मुकदमे दर्ज है। जिस व्यक्ति को जिसको भी ये जहां दिखे तत्काल पुलिस को सूचना दे। इस मकान में किसी भी प्रकार का प्रवेश वर्जित है। ये मकान न्यायालय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के वार्ड संख्या 4348 आज दिनांक 4/12/2022 को थाना पीपीगंज में गैंगस्टर एक्ट के 14(1) की धारा के अंतर्गत भोला यादव व उसके 2 अन्य सहयोगियों के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसमें लगभग 3.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें 2 मकान व 2 प्लाट शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि भोला यादव एक HS है, उसके विरुद्ध 43 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त भी संपत्तियों की छानबीन की जा रही है और अगर कोई ऐसी अवैध संपत्ति आगे प्रकाश में आती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।